भारतीय किसान संघ की तहसील इकाई के तत्वावधान में किसानों ने नायब तहसीलदार पूनिया परमार को ज्ञापन सौंपा है। अपनी 50 सूत्री ज्वलंत मांगों का मुख्यमंत्री को और 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन पीएम नरेंद्र मोदी के नाम तहसील कार्यालय के नायब तहसीलदार पूनिया परमार को सौंपा गया। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष भूपेंद्र पाटीदार, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नारायण यादव सहित किसानगण मौजूद थे। सेगांवा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। भारत किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक तुकी किसान रहेगा, गति पर तू भाग रहेगा। आज किस बात को लेकर आए थे ज्ञापन देने? आज हम मध्य प्रदेश की 428 तहसील, 10 संभाग और 52 जिलों में हमारा ज्ञापन है और यहाँ किसानों की ज्वलंत समस्या को लेकर सभी किसान हर तहसील पे ये ज्ञापन देने आए हैं। क्या समस्या आपकी? अभी पानी की खिंचाई के कारण सभी किसानों की सोयाबीन की और मक्का की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अभी सर्वे हुआ नहीं और आगे अगर ये सर्वे नहीं होता है तो सभी तहसीलों में आगे हम आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। क्या नाम लिखता? नारायण यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।